पॉपअप नोवा ब्लूटूथ नेक बैंड। आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि यार कि एक नया मार्केट में लॉन्च हुआ है नेक बैंड जिसका प्राइसिंग बहुत ही कम है। मैंने इसका प्राइस चेक किया तो प्राइस जस्ट 450 रुपीज़। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित पिरथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। करेंगे हम इस कलरफुल बॉक्स की अनबॉक्सिंग, काफी आपको कलरफुल पैकेज देखने को मिल जाएगा। चेक करेंगे हम क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है इसके अंदर, फिर हम चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे इन तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड कर ही लेंगे कि इतने कम प्राइसिंग में इन्होंने कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द बॉक्स ऑफ द हॉपअप नोवा ब्लूटूथ नेक बैंड यू विल बी गेटिंग वंस द प्रोडक्ट इज रिच्ड टू यू। कलरफुल यहाँ पे आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं एंड बैक साइड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस मेंशन है 1300 रुपीज़ बट द एक्चुअल प्राइस इज 450 रुपीज़ ओनली। एंड अगर हम फटाफट बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है ये सब कंटेंट। हम एक एक करके चेक करते हैं क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा हॉपअप की तरफ से एक कार्ड, इसमें आपको वारंटी कार्ड मिलने वाला है 3 मंथ्स की, इसको आप क्लेम कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, इसको आप चेकआउट करके सारी की सारी डिटेलिंग कैसे मल्टीफंक्शन बटन वर्क करते हैं, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, इसे आप चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन यू विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर ईयर कंफर्ट। एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग केबल, यू कैन जस्ट चार्ज योर नेक बैंड विद दिस केबल गिवन विद द बॉक्स। अब हम आएंगे मेन प्रोडक्ट पे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग। और देखा जाए यहाँ पे अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो आपको मिलने वाला है कुछ मल्टीफंक्शन बटन्स, यहाँ पे आपको 3 मल्टीफंक्शन बटन मिल जाएंगे। साथ ही में आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा फॉर कॉलिंग पर्पस। कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं बटन्स मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलने वाला है एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग स्लॉट, इस स्लॉट के थ्रू अपने नेक बैंड को आप चार्ज कर सकते हैं। एंड जो क्वालिटी दी गई है नेक बैंड की अच्छी दी गई है, प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको सिंपली मोहपअप की बैंडिंग देखने को मिल जाएगी, ऐसे कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया है। अगर हम नीचे आएंगे तो आपको पतली सी वायर्स मिल जाएंगी नेक बैंड की। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बड्स एंड अच्छे खासे प्लास्टिक क्वालिटी के आपको बड्स देखने को मिल जाएंगे। मैग्नेट लॉक से ज़्यादा आते हैं, ऐसे कोई स्पेशल फंक्शन की तरह नहीं है ये। एंड आपको अच्छे मैग्नेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस पार्ट की, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, वॉइस असिस्टेंट फीचर सपोर्ट करता है, 150mAh की बैटरी मिलेगी जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स का प्ले टाइम प्रोवाइड कर देगी ऑन अ सिंगल चार्ज। सो यार देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस मैनेजेबल देखने को मिल जाएंगे, ठीक ठाक आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे इसके लुक एंड फील की, काफ़ी आपको लाइट वेट नेक बैंड देखने को मिलेगा, बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप इसको नेक पे लगाएंगे तो आपको ऐसे कोई फील नहीं होने वाला है, कुछ अपने नेक पे लगाया हुआ है, बहुत ही लाइट वेट आपको नेक बैंड दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, इस प्राइसिंग में आप ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको प्रीमियम क्वालिटी का नेक बैंड देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से आपको डिसेंट क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैग्नेटिक लॉक का ऑप्शन, ये ऑन ऑफ नहीं होता है, सिंपल आपको मैग्नेट दिए गए हैं और ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स नहीं है, नॉर्मल आपको मैग्नेट्स देखने को मिल जाएंगे ताकि सिक्योरली आपके ये गले में लटके रहे, इधर उधर भटके नहीं। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे मल्टीफंक्शन बटन्स, आपको 3 मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं। बीच में आपको मिलेगा एक पावर ऑन ऑफ का बटन, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन होगा, पावर ऑफ होगा। इसी को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, म्यूजिक पॉज होगा। इसी को आप सिंगल प्रेस करेंगे तो आंसर कॉल होगा, और ऑनगोइंग कॉल को आपको रिजेक्ट करना है। इसी को आप सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस का ऑप्शन दिया गया है, प्लस को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, माइनस को लॉन्ग प्रेस करते रखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। प्लस को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को आप सिंगल प्रेस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। और जो बीच में मल्टीफंक्शन बटन दिया गया उसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाता है। सारे के सारे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे बटन्स के थ्रू, और इजी एक्सेसिबल है, मोटे आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लेसमेंट इनका प्रॉपर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे अब गेमिंग एक्सपीरियंस, इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं दिया गया है, हम एक टेस्ट करेंगे BGMI का, इससे फिर हम चेक करेंगे इससे गेमिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। तो मैंने OnePlus 9R में गेम मोड ऑन किया मोबाइल फोन में, फिर मैंने ऐसे गेमिंग एक्सपीरियंस लिया और मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला। अगर आप डेडिकेटेड हार्डकोर गेमिंग करते हैं, हैवी गेम्स खेलते हैं तो आपको लैग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं, उसके लिए आप कंसेशन में रख सकते हैं, हैवी गेम्स में आपको लैग देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल अप टू द मार्क गेमिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है इस पर्टिकुलर नेक बैंड में, लेकिन फिर भी आप नॉर्मल गेम्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं अगर आप गेमिंग करते हैं। तो बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। सर इसमें आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, लाउडनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है।
फुल वॉल्यूम पे हो सकता है आपको जो क्लैरिटी डगमगाई लगे, लेकिन अगर आप इसको मेनली 60 या 70 या 80% वॉल्यूम तक भी आप सुनेंगे तो आपको म्यूजिक का अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी नहीं बोलूंगा क्योंकि इस प्राइसिंग में आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आपको परफेक्ट क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप मेनली कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग करते हैं दिन में 2 से 3 घंटे अगर आप म्यूजिक सुनते हैं नॉर्मली कैजुअली सुनते हैं तो उसके लिए आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट क्लैरिफिकेशन अच्छा है, लेकिन जो बोला ना कि बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी के साथ आपको एक्सपीरियंस हो सकता है इतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्राइसिंग के हिसाब से मैनेजेबल आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे बेस की, बेस इसमें डिसेंट है, अगर आप प्रॉपर ईयरबड्स लगाएंगे अपने कानों के हिसाब से, अगर ये कानों को सिक्योरली फिट कर दे तो आपको अच्छा खासा पावरफुल बेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है। अगर आप प्योरली बेस लगा रहे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट्स में थोड़े बहुत कम लगे, लेकिन डिसेंट आपको बेस देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे कॉलिंग की, मैं आपको एक आउटडोर कंडीशन में कॉलिंग टेस्ट देता हूं, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। सो अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं हॉप अप नोवा नेक बैंड से, बहुत ही लाइट वेट नेक बैंड है, ऐसा कोई फील नहीं हो रहा, मैंने अपने नेक पे कुछ लगा के रखा हुआ है। जो भी आपसे बातें कर रहा हूँ आउटडोर कंडीशन में ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि सामने वाला पर्सन कैसे सुन पाएगा इस नेक बैंड के थ्रू, एक छोटा सा कॉलिंग टेस्ट था ये मेरी तरफ से। सो आउटडोर कंडीशन की कॉलिंग देखिए आपको अंदाजा लग गया होगा इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग उसमें मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लग गई, मुझे सामने वाला बिल्कुल क्लियर तरीके से सुन पा रहा था, बैकग्राउंड उसको 10-20% आ रही थी लेकिन मेरी आपसे बिल्कुल फोकस था। इसको डेफिनेटली आप इंडोर आउटडोर कंडीशन के लिए कॉलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कम प्राइसिंग में नेक बैंड कंसिडर करना चाह रहे हैं। तो अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी को। सो यार मैं साउंड क्वालिटी को दूंगा 4 out of 5, मैं बेस क्वालिटी को दूंगा 4 out of 5 और मैं कॉल क्वालिटी को दूंगा 4.4 out of 5। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड, अप्रॉक्सिमेटली 450 rupees ओनली। सो यार मेनली अगर आपको एक लाइट वेट नेक बैंड चाहिए जिसका आप बिल्कुल कैजुअल यूज के लिए यूज करना चाहते हैं, आपका ज्यादा ओवरऑल हार्डकोर पर्पस नहीं, अगर आप हार्डकोर गेमिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल आप डीप म्यूजिक नहीं सुनते हैं, अगर आप कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग करते हैं, मेनली अगर आपको एक कॉलिंग के लिए नेक बैंड चाहिए, इसमें आपको कॉलिंग बहुत ही परफेक्ट देखने को मिल जाएगी, 450 rupees के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई करता है, इससे तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्वालिटी को लेकर और ओवरऑल आउटपुट को लेकर। अगर आपका बजट 500 rupees के अंदर है, आप एक वायरलेस नेक बैंड कंसीडर करना चाहते हैं जिसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाए बटन्स के भी, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं, एक अच्छा खासा ऑप्शन है। तो मैं दे दिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो पाएगा मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द हॉप अप नोवा ब्लूटूथ नेक बैंड जस्ट 450 rupees। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।